हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंडी जोहार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग सभी? एक बार फिर से आप लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और झारखंडी जोहार। आई होप सो कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इस क्लास के थ्रू झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो आज का हमारा पहला करेंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का शुभारंभ जो है वो किया गया है। तो रिसेंटली जो है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई है। यानी अगर आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले करेंट अफेयर का आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपाई सोरेन। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का सोरेन के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का जो शुभारंभ है वो किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में। इसका जो शुभारंभ है वो 11 मार्च को किया गया है रांची से। तो सबसे पहले आंसर के बारे में आप लोग देखिए कि रिसेंटली गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का शुभारंभ चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। अब इन दो चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये क्या है? ये स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्टूडेंट अपने एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। दूसरी चीज है मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कीम क्या है? तो मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप देने के लिए इस स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। इसके बारे में डिटेल में आप यहां पे देख सकते हैं कि चंपाई सोरेन के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की जो शुरुआत है वो किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, पहला करंट अफेयर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रांची से इसकी शुरुआत की गई है। तो यह है मैप में रांची और रांची के बारे में आप लोगों को कई बार बताया गया है। तो एक काम करें आप लोग, आप रांची के बारे में कितना जानते हैं ये आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप जो है रांची के बारे में कितना जानते हैं। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर देखने से पहले, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अगला करंट अफेयर है, किसे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? किसे जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है, क्या होगा सही आंसर? तो रिसेंटली वीर प्रताप मुर्मू, ऑप्शन सी, रिसेंटली वीर प्रताप मुर्मू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है और ये झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं। कौन? वीर प्रताप मुर्मू, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। क्लियर, वीर प्रताप मुर्मू। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। राज्य के जमशेदपुर जिले के वीर प्रताप मुर्मू को संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं वीर प्रताप मुर्मू और संथाली लैंग्वेज के लिए, किस लैंग्वेज के लिए? संथाली लैंग्वेज के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ रहे लैंग्वेज कि वीर प्रताप मुर्मू को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो संथाली भाषा। क्यों? तो देखिए, प्रेमचंद जी की हिंदी में एक उपन्यास है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। प्रेमचंद जी की बात करेंगे, कवि प्रेमचंद जी की, तो उनके द्वारा हिंदी में एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। और इसी उपन्यास को इनके द्वारा, किनके द्वारा? वीर प्रताप मुर्मू के द्वारा संथाली भाषा में अनुवाद किया गया है और इसका नाम दिया गया है कीरा। वीर प्रताप मुर्मू के द्वारा
इसी उपन्यास जिसका नाम है प्रतिज्ञा, जो हिंदी में है, उसे ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है, किसमें? संथाली में। और उसी उपन्यास का नाम दिया गया है संथाली में कीरा, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है वीर प्रताप मुर्मू। और इनकी ये जो उपन्यास है जो कि प्रेमचंद, कवि प्रेमचंद जी का आप लोग नाम सुने होंगे, तो प्रेमचंद जी का ही ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, अनुवाद किया गया है संथाली में। उनकी प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है प्रतिज्ञा, उसका इन्होंने संथाली में ट्रांसलेट किया है, तो उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया है वीर प्रताप मुर्मू को। किस भाषा के लिए? संथाली भाषा के लिए, याद रख लें। आइए, हाल ही में किसके द्वारा रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो रिसेंटली किसके द्वारा रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि झारखंड का तीसरा वंदे भारत है, झारखंड का पहला वंदे भारत रांची पटना वंदे भारत, झारखंड का दूसरा वंदे भारत रांची हावड़ा वंदे भारत, और झारखंड का तीसरा वंदे भारत रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 12 मार्च को, कब? 12 मार्च को रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मार्च को रांची वाराणसी जो कि झारखंड का तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, राज्य के किस शहर के निवासी डॉक्टर श्रीनिवास चंद्र ठाकुर को क्या दिल्ली में साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्रीनिवास चंद्र ठाकुर को दिल्ली में साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो झारखंड के किस शहर के निवासी हैं? तो ये झारखंड के रांची के निवासी हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची निवासी डॉक्टर श्रीनिवास चंद्र ठाकुर को दिल्ली में साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस करंट अफेयर की बात करें, इस करंट अफेयर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर श्रीनिवास चंद्र ठाकुर, जिन्हें दिल्ली में साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर श्रीनिवास कौन है? तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति है डॉक्टर श्रीनिवास चंद्र ठाकुर, झारखंड के रांची जिले के ये रहने वाले हैं, और इन्हें नई दिल्ली में क्या किया गया है? तो साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अभी तक हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात की है, सब कुछ क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, नहीं होगा, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित क्या 3 इंडी फिल्म अवार्ड्स के लिए झारखंड के किस नागपुरी शॉर्ट फिल्म का चयन किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा क्या 3 इंडी फिल्म अवार्ड्स, और इसी 3 इंडी फिल्म अवार्ड्स के लिए झारखंड के नागपुरी शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है स्कॉलरशिप, इसका जो चयन है वो किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के कौन से जिले में झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पे, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद में, ऑप्शन बी बोकारो में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी रामगढ़ में। झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण कहां किया जा रहा है? जल्दी से आप लोग सही बताएंगे। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको सही आंसर मालूम होगा कि झारखंड के किस जिले में या फिर किस शहर में झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर सब कुछ। चलिए, तो फिलहाल
आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके से डेली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।